नमस्कार दोस्तों, फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का पोर्टल को लाइव कर दिया गया है और सन 2022 से 23 और 23 से 24 के लिए आवेदन शुरू हो चुका है और लिंक एक्टिवेट हो चुका है। अभी तक जो SC ST के कैटेगरी के जो छात्र थे उसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी और अब BC EVC के लिए भी ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो चुके हैं। तो बिल्कुल इस वीडियो में आप बने रहें, इस वीडियो में पूरा प्रोसेस आपको लाइव दिखाने वाला हूँ, कैसे आप अपना स्कॉलरशिप अप्लाई करने वाले हैं। ये उन तमाम छात्रों के लिए है जो अभी उनका सेशन चल रहा है, जो 22 से 24 के लिए अपना एडमिशन कहीं ना कहीं करा चुके हैं, उन्हें वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको जिनका भी DLED में जिन्होंने एडमिशन करा रखा है उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और सारे कॉलेज का प्रोसेस सेम है, लेकिन अभी मेरे पास जो एप्लीकेशन है DLED कॉलेज का उनके लिए मैं ये ऑनलाइन कर रहा हूँ और उसी के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो सारा प्रोसेस बिल्कुल सेम है, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्मार्ट कंप्यूटर ट्यूटोरियल पर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप pmsonline.bih.nic.in की वेबसाइट पर आप जाएंगे। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जा सकते हैं या फिर गूगल में डायरेक्ट PMS करके सर्च कर सकते हैं और पहला जो लिंक आएगा आप वहां से जा सकते हैं। जैसे आप इस जगह पे आएंगे तो आपको यहाँ से अप्लाई फॉर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप SC ST कैंडिडेट्स या EVC कैंडिडेट्स जो भी होगा, अभी हमारे पास SC कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन है, मैं उसके लिए क्लिक करता हूँ। तो यहाँ से जैसे ही क्लिक करेंगे आप, तो आपके पास यहाँ पर दिखेगा कि यदि आप न्यू हैं तो न्यू स्टूडेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यदि आपके पास ऑलरेडी है तो आप उसके नीचे वाला ऑप्शन को क्लिक करेंगे। न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ से जाने के बाद यहाँ से चेक बॉक्स होगा, चेक करने के बाद कंटिन्यू करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। जैसे कंटिन्यू और ओके करेंगे आपको यहाँ से आपको पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको भरना होगा। नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रीजन, कैटेगरी, होम, इंस्टीट्यूट, स्टेट और इंस्टीट्यूट, डिस्ट्रिक्ट, इंस्टीट्यूट नेम, आपका ईमेल। उसके बाद आप OTP पे वेरीफाई करेंगे, OTP डालेंगे, उसके बाद वेरीफाई करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, गेट OTP पे क्लिक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से कैप्चा डालना होगा, यहाँ से ये कैप्चा जो दिख रहा है आपको यहाँ पर फिट करना होगा और नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आपको आपका अकाउंट नंबर, बैंक, फैन सब कुछ यहाँ पर भर लेने के बाद आपको आगे बढ़ना होगा। कौन सी चीजें भरना है आपको वो मैं आपको बिल्कुल पूरा बताने वाला हूँ। ये तो था न्यू स्टूडेंट के लिए। यदि जो स्टूडेंट पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखे होंगे उनके लिए क्या है कि आप यहाँ से लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक आपके ईमेल पे एक user ID और पासवर्ड मिला होगा आपको, उससे आप यहाँ पर डालेंगे और ये वाला आपको कैप्चा डाल के यहाँ पे लॉग इन कर लेना है। तो लॉग इन करने का दो तरीके हैं, जो भी तरीका होगा आप दोनों से कर ले, या तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर ले या तो आप लॉग इन कर ले। मैं ऑलरेडी हमारे पास रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो मैं लॉग इन करके सारे डिटेल्स को अपडेट करके मैं आपको बताने वाला हूँ। एक बात को ध्यान रखना होगा कि स्टूडेंट जो पहले से अपना सारा डिटेल्स रजिस्ट्रेशन करके रखे हैं, जब तक उनका टोटल वेरीफाई नहीं हो जाता है आप स्कॉलरशिप की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए यहाँ से मैं डिटेल्स भर के लॉग इन कर लेता हूँ। तो जैसे ही लॉग इन कर लेंगे आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का स्क्रीन देखने को मिलेगा, यहाँ पर स्क्रीन इस तरह को देखने को मिलेगा और यहाँ से फिर आप पर्सनल डिटेल्स अपडेट पर्सनल डिटेल्स को चेक करेंगे और एक एक करके सारी चीजों को चेक करते जाएगा। चलिए मैं आपको बिल्कुल अभी लाइव करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको करना क्या होगा कि आपको अपना प्रोफाइल डिटेल्स अपडेट करना होगा या फिर आपको अपना पूरा प्रोफाइल डिटेल्स फिल करना होगा। यहाँ पर जैसे यहाँ प्रोफाइल डिटेल्स पे क्लिक करेंगे आपको आपका नाम, कैटेगरी, जेंडर, कास्ट, डेट ऑफ बर्थ,
इज द बिग यांग रिलीजन, फादर नेम, मदर नेम, कास्ट, आधार नंबर, नेम एज पर आधार, और अदर्स ऑक्यूपेशन जो होगा यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इतना कर लेने के बाद में आप आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ से आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका स्टेट जो होगा भर लेंगे, यहाँ से आपका डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, यहाँ से ब्लॉक, पिन कोड, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। उसके बाद यदि आपका सेम एड्रेस है दोनों तो आप यहाँ से डालेंगे, या फिर डिफरेंट है तो फिर से यहाँ से एंट्री करके यहाँ से आप क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे या फिर होम पर जाएंगे। जैसे ही आप होम पर जाएंगे अगला आपका मिलेगा आपको बैंक डिटेल्स का ऑप्शन। आपको बैंक डिटेल्स एंट्री करना है या फिर पहले से यदि आप एंट्री कर रखे हो तो आपको यहाँ से क्या करना है, उसको एक बार फिर से अपडेट करना है। यहाँ से आपका आईएफएससी कोड, बैंक का अकाउंट नंबर जिस बैंक का है वो सेलेक्ट कर लेंगे, बैंक का नाम, और यहाँ से अकाउंट नंबर को फिर से एंट्री कर लेंगे। इतना कर लेने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, फिर से सर्टिफिकेट डिटेल्स पे हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही सर्टिफिकेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पर। एक तो आवासीय का, आय का और जाति का, यानी कि रेसिडेंशियल इनकम और कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा होगा। ये आपको SC ST कैंडिडेट्स के लिए मैं अभी बता रहा हूँ। OBC कैंडिडेट्स के लिए भी पोर्टल ऑनलाइन जारी हो चुका है, लिंक एक्टिवेट हो चुका है, आप लोग वहां से क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग क्या करना होगा, आपका सर्टिफिकेट कहाँ से इशू है वो डाल लेंगे, इशू टू सेल्फ करेंगे, और यहाँ से प्रमाण पत्र का संख्या डाल लेंगे, और यहाँ से तारीख डाल लेंगे, उसके बाद अपलोड रेसिडेंशियल पे कर लेंगे, ये हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर तीनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेने के बाद आप होम पर जाएंगे या नेक्स्ट करेंगे। होम पर आएंगे, होम पर आने के बाद में आपके पास दो ऑप्शन स्क्रीन पर दिखाएगा। सबसे पहले सर्टिफिकेट एंड बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन डैशबोर्ड इस तरह से करके रहेगा, और दूसरा होगा और स्कॉलरशिप अप्लीकेशन स्टेटस एंड एक्शन। तो अभी हम लोग सर्टिफिकेट एंड बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे डैशबोर्ड पे, तो आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। यदि आपने आज अप्लाई किया है तो हो सकता है ये सब आपको डन की जगह पेंडिंग पेंडिंग दिखाई दे, जहां वेरीफाइड लिखा हो वेरीफाइड ना दिखे, तो आपको इंतजार करना होगा। एक दिन दो दिन में ये आपका वेरीफाई हो जाता है। ये वेरीफाई हो जाने के बाद जब इस तरह से आपको टोटल ग्रीन ग्रीन और एक्सेप्टेड दिखाए, रिमार्क्स लास्ट में एक्सेप्टेड दिखाए, तो आप समझ जाइएगा कि आपको अब स्कॉलरशिप अप्लाई करने मिल जाएगा। जब तक ये ग्रीन नहीं होगा आप स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जब ये हमारा एक्सेप्टेड हो जाता है तो हमारा अप्लाई फॉर अ स्कॉलरशिप, यहाँ से ऊपर जो अप्लाई फॉर अ स्कॉलरशिप है उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए फॉर्म खुल जाएगा। जैसे ही स्कॉलरशिप का फॉर्म हमारा खुलेगा तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको फिल करने होंगे। सबसे पहले अप्लाई फॉर फ्रेश है या रिन्यूअल है, अभी मैं बिल्कुल फ्रेश अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ से मैं फ्रेश कर दूंगा। और यहाँ स्टेटस हमेशा आपको एक्टिव ही रखना है। एकेडमिक ईयर क्या होता है कि जिस साल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, यानी कि 22-23 के लिए आप अप्लाई कर रहे हो स्कॉलरशिप, तो 22-23 के लिए मैंने यहाँ पर भर दिया है। उसके बाद आपका इंस्टीट्यूट किस स्टेट में है वो आप सेलेक्ट करेंगे, इंस्टीट्यूट का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, इंस्टीट्यूट का नेम जो भी होगा, कॉलेज का नेम, आपका कॉलेज का नेम यहाँ पर शो होगा, उसे आपको सेलेक्ट करना है, और कोर्स का नेम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से टोटल कितना आपका कॉलेज का डिटेल्स होगा वो आ जाएगा, टोटल कितना फी आपका कंपलसरी है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक दिखना शुरू हो जाएगा। इतना कर लेने के बाद जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपका यहाँ से कुछ कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो आपको पूरा फिल करना होगा। जब स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे तो यहाँ से कोर्स का सेशन 22 से 24 पूरा कोर्स का सेशन डालेंगे, एडमिशन डेट यहाँ से डाल लेंगे, आप एडमिशन का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लेंगे, इन आपका इनरोलमेंट या रोल नंबर यदि होगा तो वो आप डाल लेंगे, यहाँ से ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर क्या है वो आप डाल लेंगे, और इस ईयर में आपने एडमिशन कब लिया है वो डाल लेंगे डेट।
उसके बाद यहाँ से मोड ऑफ स्टडी आप सेलेक्ट कर लेंगे, मेरा रेगुलर है तो रेगुलर। उसके बाद आपने कितना फी पेड किया है इस ईयर में कॉलेज को, वो आप डाल देंगे। इतना डालने के बाद में क्या आप यहाँ से पूछा जा रहा है हॉस्टल में रहते हैं, यहाँ से नो करेंगे। यहाँ से आपने क्या पिछले साल एग्जाम पास किया है, तो यस करेंगे। यदि आपका कैटेगरी बताना है हाउस होल्ड कैटेगरी, पुअर है, पुअरेस्ट है या अदर है, यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिलेगा, पुअरेस्ट और अदर। आप अपने हिसाब से कैटेगरी को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से प्रीवियस पासिंग कोर्स मांग रहा है, यदि आपका प्रीवियस जो भी होगा, इंटर तो इंटरमीडिएट डालेंगे, ग्रेजुएट तो ग्रेजुएट डालेंगे। मेरे केस में प्रीवियस ग्रेजुएट है, मैंने ग्रेजुएट डाला। यहाँ से सेलेक्ट करना होगा ग्रेजुएट, यहाँ से यूनिवर्सिटी आपका लिखना होगा, और यहाँ से फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक का था, सेशन वो डाल देना होगा। कोर्स कंप्लीटेड तो यहाँ से यस करेंगे और यहाँ से परसेंटेज डालेंगे। इतना कर लेने के बाद जैसे यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर तीनों चेकबॉक्स को यहाँ से टिक कर देना है, उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट करना है। पहले चेकबॉक्स को चेक कर देने के बाद हम यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको कुछ कुछ चीजें फिर से एक्सेप्ट करने को आएंगी। यहाँ से ये सारे चीजों को मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, यानी कि यहाँ से टिक मार लेता हूँ, एग्री करना है, यहाँ से सबको टिक मार के एग्री करना है। उसके बाद आप यहाँ से मोबाइल नंबर जो आपका होगा वेरीफाई करेंगे, आप यहाँ से जनरेट ओटीपी फॉर मोबाइल पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही मोबाइल पे ओटीपी पे क्लिक करेंगे आपको एक फोन पे ओटीपी मिलेगा। यहाँ से ओटीपी डाल के मोबाइल ओटीपी वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ लिखा जाएगा कि आपका ओटीपी वेरीफाई हो चुका है। इतना कर लेने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर आपको अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा, 10th का डॉक्यूमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पासिंग मार्कशीट जो आपने किया हाल फिलहाल में पास, वो डालना होगा। बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको डालना होगा। उसके बाद में फिर आपको यहाँ से आपका जो फी स्ट्रक्चर का रिसिप्ट होगा वो आपको अपलोड करना होगा। तीनों PDF में होना चाहिए। जब आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ नीचे लिखा है फाइल साइज ऑफ इस डॉक्यूमेंट मस्ट बी 400 KB, यानी 400 KB से कम होना चाहिए, वाइट और ब्लैक एंड व्हाइट में होना चाहिए। ये चीजें आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर सर्टिफिकेट को PDF में अपलोड करेंगे, सर्टिफिकेट का नंबर डालेंगे, डेट चूज करेंगे। इसी प्रकार से सब करने के बाद में आप यहाँ से फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे आपको एक पॉपअप अपियर होगा कि आप अपने किसी भी डेटा में चेंजिंग नहीं कर पाएंगे, तो आप वहां से ओके करेंगे तो आपको ये स्क्रीन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ये नीचे वाली स्क्रीन देखने को नहीं मिलेगा। जब हम लोग स्कॉलरशिप को अप्लाई कर देंगे तो यहाँ से स्कॉलरशिप अप्लीकेशन स्टेटस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको आपने जो अप्लाई किया है वो वाला स्कॉलरशिप यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपका स्कॉलरशिप का पूरा डिटेल्स दिखेगा, आपका क्या है नहीं है। यहाँ पर स्टेटस अभी पेंडिंग दिख रहा होगा, ये फाइनल स्टेटस हो जाने के बाद आपका ये स्कॉलरशिप का अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो आई होप आज का ये वीडियो जिसमें मैंने आपको कैसे अपना स्कॉलरशिप अप्लाई करना है उसमें स्ट्रिक्ट ऑनलाइन में PMS ऑनलाइन वेबसाइट पर जा करके पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पर जा करके, वो अभी आपको इस फाइनेंशियल ईयर का बिल्कुल पहला वीडियो YouTube पे आप देख रहे हैं, और पूरे YouTube पे आपको इस फाइनेंशियल ईयर का कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा, और अभी लाइव आपको जो मैंने करके बताया है। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा नोटिफिकेशन पाने के लिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें। और हमारा वीडियो यदि पसंद आए हो और आपको इससे जानकारी मिली हो और इस वीडियो को देख कर आप ऑनलाइन कर पाए हो, तो बिल्कुल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। यदि फिर भी आपका कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी होगा, वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर वहाँ भी हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं। और हमारे हमें आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को लाइक करना भी ना भूलें, इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करें। तो आई होप आज का सारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब तक आप वीडियो बने हैं इसका मतलब आपको वीडियो की ज़रूरत है। धन्यवाद अब तक वीडियो देखने के लिए, बने रहे स्मार्ट कंप्यूटर ट्यूटोरियल के साथ। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।